चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं मिला और उन्होंने बहुत खुशगवार मूड में मुझसे बात की। सोशल मीडिया में चल गया कि नबील गौर की बेइज्जती की गई। चेयरमैन बिलावल ने जो है नबील गौर को धिक्का दे दिया। हर किसी का स्टाइल होता है, उन्होंने तप्पी देके कहा कि सारी बातें यहां नहीं होंगी, बाद में तुमसे मैं मिलूंगा और सारी बातें फिर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से दोबारा मैं सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ हूँ और माशाल्लाह फिर से मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया में कितने मेरे चाहने वाले हैं, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि जब आपके खिलाफ दुनिया उठ खड़ी होती है और आपके मुखालफिन, खासकर आपके मुखालफिन इस तरह की साजिशें करते हैं सोशल मीडिया के जरिए कि आपकी बदनामी करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, तो वह अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठा है जो ऐसे वक्त में फिर ज़्यादा अपने उस बंदे की जो है ना वो मदद भी करता है और उस बंदे के लिए रास्ता निकालता है। कल मेयर और डिप्टी मेयर के अलबरदारी की तकरीब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं मिला और उन्होंने बहुत खुशगवार मूड में मुझसे बात की। मैंने उनको लियारी के 16 घंटे जो लोड शेडिंग के हवाले से मैंने कहा चेयरमैन साहब आप पर्सनल इंटरेस्ट लें इसमें, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट लूंगा, मुझे एहसास है लियारी के आवाम के लिए मुझे दर्द है। और उन्होंने चेयरमैन साहब ने उसी वक्त, आपने इशारा देखा होगा अगर फुल वीडियो किसी ने लगाया तो उसमें चेयरमैन साहब ने चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप सीईओ जो है के इलेक्ट्रिक का उसको बुलाए और मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, कल वापस आके मैं मीटिंग करना चाहूंगा। ये बात हुई, खत्म हुई बात। इतने में जो है डिप्टी मेयर साहब आगे से आ गए, जाहिर है उनके लिए उनको उठ खड़ा होना पड़ा। और मैंने उनको कहा कि चेयरमैन साहब आप इस्लामाबाद से जब वापस आएंगे तो मेहरबानी करके इस न सिर्फ बिजली के सीईओ को बुलाए, के इलेक्ट्रिक के सीईओ को बुलाए, आप एमडी सुई गैस को भी बुलाए, क्योंकि लियारी में सुई गैस भी नहीं है। तो उसमें चेयरमैन साहब ने मुझे जिस तरह एक लाइटर तरीके से, एक आपको पता है कि हर किसी का स्टाइल होता है, उन्होंने तप्पी देके कहा कि सारी बातें यहां नहीं होंगी, बाद में तुमसे मैं मिलूंगा और सारी बातें फिर करते हैं। ये सारी बात हुई और फिर सोशल मीडिया में चल गया कि नबील गौर की बेइज्जती की गई। चेयरमैन बिलावल ने जो है नबील गौर को धिक्का दे दिया। जुनैद जेडी ने उनको जो है पीछे कर दिया। जुनैद जेडी मेरा छोटा भाई है, उसने आकर मुझे ये जरूर कहा कि नबील भाई अपने कुर्सी पे बैठे क्योंकि तकरीब शुरू होने वाला है, और वो मैं बैठ गया। तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं। और हाँ, अगर लियारी के अवाम के बिजली के लिए अगर मैं बात करूं और अगर मेरी फिर भी अगर लोग समझते मेरी बेइज्जती हुई है तो ये बेइज्जती भी कबूल है, लेकिन लियारी को बिजली मिलना चाहिए, लियारी को 16 घंटे लोड शेडिंग से निजात मिलना चाहिए।